क्लास 7 का चैप्टर 1 करेंगे जिसका नाम है एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि पर्यावरण। ठीक है, तो एनवायरनमेंट होता क्या है? ठीक है, तो आपके जो आसपास की सराउंडिंग होती है, ठीक है, आपका जो बेसिक सपोर्ट सिस्टम है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो एनवायरनमेंट से हमें क्या क्या मिलता है? तो जो हवा आप सांस लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो पानी आप पीने के लिए यूज़ कर रहे हो, जो खाना आप खा रहे हो और जिस धरती पर आप रह रहे हो, ये सब कुछ किसका पार्ट है? एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारी कार जो चल रही होती है वो पॉल्यूट कर रही है एयर को, वाटर जो है, ठीक है, ये जो सारी की सारी चीज़ें, ह्यूमन बींग्स, कार, फैक्ट्रीज, ये सब कुछ जो है, इन्होंने ना नेचुरल इन्वायरमेंट, ये वो फैक्टर्स है जो ह्यूमंस ने बनाए। कार किसने बनाई है? ह्यूमंस ने बनाई है। ठीक है, जो बर्तन है वो किसने बनाए? ह्यूमंस ने बनाए। तो ये जो सारी चीज़ें ह्यूमंस ने बनाई है, ठीक है, ये है ना, मॉडिफाई करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को। कुछ चीज़ें जो नेचर से हमें डायरेक्टली मिलती है, जैसे लैंड है, एयर है, वाटर है, प्लांट्स है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट होता क्या है? आपके आसपास की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर, आपके आसपास की सराउंडिंग, वो आपका इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप है ना एक कमरे में बैठे हो, उस कमरे में ना आपके फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, वहाँ पे बहुत सारा फर्नीचर है। ठीक है, आपके ऊपर छत है, आपके नीचे ज़मीन है, ठीक है, साइड में वॉल्स है, ये सब कुछ क्या है? ये आपका इन्वायरमेंट है। जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड इन्वायर से आया है, जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड, ठीक है, आपका पड़ोस। ठीक है, उसके बाद है ना, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो दो टाइप के फैक्टर से बना हुआ है, एक है बायोटिक फैक्टर और एक है एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर्स का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें जिंदा है, ठीक है, तो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं, जिनके अंदर बायो यानी कि लाइफ है। एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं सारे नॉन लिविंग एलिमेंट, जैसे कि लैंड, जैसे कि एयर, जैसे कि वाटर, ठीक है, जैसे कि आपके घर का फर्नीचर, ये सब कुछ क्या है? एबायोटिक। अगर आपके रूम में आपके साथ में आपकी मम्मी है तो वो बायोटिक फैक्टर है, अगर आपके साथ आपके रूम में फर्नीचर रखा है तो वो एबायोटिक फैक्टर है। उसके बाद आता है नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे मैंने बताया, जो हमें नेचर ने दिया है, ठीक है, लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सब कुछ है ना नेचर से मिला है। ठीक है, उसके बाद अब क्या क्या आता है हमारे इन्वायरमेंट में? तो लिथोस्फीयर, ठीक है, तो जो सॉलिड क्रस्ट अर्थ का जो है, जिसके ऊपर हम लोग खड़े होते हैं, ठीक है, हम धरती पे खड़े किस वजह से हो पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे लिथोस्फीयर प्रेजेंट है, जो है ना रॉक से, मिनरल से बना हुआ है और एक थिन लेयर है सॉइल की। ठीक है, और इसके ना डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं। 6th क्लास की ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ ली है तो मैंने वहाँ पे माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, वैलीज, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो 6th क्लास की ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो एक कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं, ओशन फ्लोर्स पे मिलते हैं, ठीक है, अब लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर पे हमें क्या क्या मिलता है? अब अगर हमारे पास हमारी ज़मीन ही नहीं होती तो फॉरेस्ट कैसे मिलता हमें? ठीक है, और जो एनिमल्स ग्रेस कर पाते हैं, ठीक है, चारा कहाँ चर पाते हैं वो? ठीक है, हम जिस धरती पर खेती करते हैं वो हमें कैसे मिलती है? जो हमारा घर बना हुआ है, बिल्डिंग बनी है, वो कैसे होती है? ठीक है, और जो हमें इतने सारे मिनरल्स मिलते हैं वो भी हमें कैसे मिलते हैं? ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, वैलीज की हेल्प से। ठीक है, जो किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर क्या होता है? हमारा जो अर्थ का सॉलिड क्रस्ट है उसको हम लिथोस्फीयर बुलाते हैं, जिसके ऊपर हमने बिल्डिंग्स बनाई हुई है रहने के लिए, जहाँ पे हम खेती करते हैं, ठीक है, जहाँ पे फॉरेस्ट है हमारे सारे। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर। तो आपको पता है हमारी जो अर्थ है उसका बहुत बड़ा पार्ट, 70% से भी ज़्यादा पार्ट जो है वो पानी से कवर्ड है। ठीक है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? इस पूरे पार्ट को हम हाइड्रोस्फीयर बुलाते हैं, और इसलिए है ना हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बुलाते हैं, क्योंकि अगर आप कभी भी स्पेस का पिक्चर देखोगे तो अर्थ जो है वो ब्लू कलर की दिख रही होती है। क्यों? क्योंकि उस पर इतना बड़ा पोर्शन जो है वो वाटर से कवर्ड है। ठीक है, अब पानी कहाँ कहाँ पर मिलता है? नदियों में मिलता है, ठीक है, झीलों में मिलता है, समुद्र में मिलता है। ठीक है, और ये है ना हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है। आपको पता ना बहुत सारे प्लैनेट्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी जगह पे पानी ही नहीं है तो वहाँ पे लाइफ कैसे पॉसिबल होगी? ठीक है, उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। तो आपको पता है ना हमारे आसपास है ना एक एयर का ब्लैंकेट है, ठीक है, जो है ना पूरी अर्थ को सराउंड कर रहा है। ठीक है, और हमारा उसे हम हमारा एटमॉस्फेयर बुलाते हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ पे होल्ड कैसे हो रहा है? ठीक है ना, उसे होल्ड करने में हेल्प करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आपको पता ना बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास है ना ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। कुछ कुछ प्लैनेट्स हैं जिसपे सिर्फ एयर प्रेजेंट है, कुछ कुछ प्लैनेट्स हैं जहाँ पे सिर्फ पानी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस वजह से ना लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि लाइफ पॉसिबल होने के लिए ना आपके पास लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सब होने चाहिए। अब एटमॉस्फेयर करता क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन है इसके? तो एटमॉस्फेयर है ना हमें हार्मफुल रेज से बचाता है। आपको पता ना सूरज की जो किरणें धरती पे आती है उनमें ना कुछ हार्मफुल रेज भी होते हैं, जिनको हम यूवी रेज बुलाते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है,
जो है ना हमें स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, ठीक है, कैटरैक्ट कॉज कर सकती है, बहुत सारे स्किन डिजीजेस कॉज कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपको पता है कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ना -डिग्रीज में टेम्परेचर रहता है, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, बहुत सारा पार्ट है ना सन की लाइट का रिफ्लेक्ट कर देता है, और बहुत सारा पार्ट जिसको वो एब्जॉर्ब करके रखता है ना, तो एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ऐसा है ना सिर्फ अर्थ पर पॉसिबल है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर है ना बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में नहीं पहुँचता है, तो है ना सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद आता है बायोस्फीयर, तो जहाँ पर है ना प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब कुछ सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो अर्थ का एक ऐसा नैरो जोन जहाँ पे है ना लिथोस्फीयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं ताकि लाइफ पॉसिबल हो पाए, ठीक है। तो हम जो है, हम बायोस्फेयर का पार्ट है, जो ह्यूमन बींग्स है, जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, वो बायोस्फेयर का पार्ट है। और हम यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जिस्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पानी चाहिए, हाइड्रोस्फेयर से मिल रहा है, हमें हवा चाहिए, एटमॉस्फेयर से मिल रही है, हमें रहने के लिए घर चाहिए, हमें लिथोस्फेयर से मिल रहा है। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग होती तो बायोस्फेयर एग्जिस्ट कर पाता क्या? नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं प्लस अपने नॉन लिविंग फैक्टर से, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बुलाते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। जिसकी वजह से है ना एनर्जी ट्रांसफर होती है, मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके घर में ना कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप अपने नेबर्स से मांगोगे ना, तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज है, मटेरियल्स का ट्रांसफर है, ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। तो इस पिक्चर को देखिए, आपको दिख रहा है एटमॉस्फेयर जो ऊपर एक ब्लैंकेट है, हाइड्रोस्फेयर जो पानी वाला पोर्शन है, लिथोस्फेयर जहाँ पे सॉलिड है। जब ये तीनों जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं उस वाले जोन को हम क्या बुलाते हैं, बायोस्फेयर, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है, जहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स सब एग्जिस्ट कर पाते हैं। उसके बाद आता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो इस चैप्टर में दिए हैं, वो है बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम है ना बहुत पहले चला करता था, शायद आपके बचपन में भी रहा हो कभी। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है मुझे कोई चीज़ चाहिए और मैंने ना किसी को पैसे नहीं दिए, कोई चीज़ ही दे दी। जैसे कि सोचो मुझे है ना कोई टॉफ़ी ख़रीदनी है, ठीक है। तो टॉफ़ी ख़रीदने के लिए ना मैंने उस शॉपकीपर को है ना पैसे नहीं दिए, मैंने उसे बोला कि मैं आपको है ना चॉकलेट दे देती हूँ, आप मुझे टॉफ़ी दे दो, ठीक है। तो इसको हम क्या बुलाएंगे, बार्टर सिस्टम बुलाएंगे। और जैसे कि सोचो आपको है ना किसी कंट्री से तेल ख़रीदना है, तो उस कंट्री ने आपको बोला कि आप मुझे तेल दे दो, और मतलब मैं आपको तेल दे देता हूँ, आप बदले में है ना मुझे पानी दे देना, ठीक है। तो इसको हम क्या बुलाएंगे, बार्टर सिस्टम बुलाते हैं, ठीक है। तो जब है ना गुड़ के बदले गुड़ एक्सचेंज होता है, यानी कि पैसे का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। हमारी 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।